स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है पूरी तैयारी करके बैठा है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में आज तक इतनी बड़ी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं सामने आई है जो ट्रांसफर ड्राइव स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इस बार जम्मू कश्मीर में चलाने जा रहा है। आपको हम बता दें कि कुल मिलाकर 12,138 स्कूल जम्मू कश्मीर में, जिनके 20,000 ऐसे टीचर हैं या कर्मचारी हैं जिनको ट्रांसफर किया जाएगा, और एक बहुत बड़ा पैमाना है कि 20,000 ऐसे कर्मचारी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाले हैं। पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए अगर आप लोग स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। आपको हम बता दें कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो है वो पूरी तैयारी की है, अभी तक के जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी ट्रांसफर ड्राइव जो है ये होने वाली है। इसके लिए ई पोर्टल का सहारा लिया जा रहा है, यानी कि ये ऑनलाइन ट्रांसफर्स की जाएंगी और आपको भी हो सकता है आपके फोन पर एक मैसेज आएगा कि आपकी ट्रांसफर हो चुकी है। ट्रांसफर करना क्यों जरूरी है, अब आपको ये बात बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जो एक जगह पर लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, इसलिए जो है अब गवर्नमेंट चाहती है कि उस अध्यापक को वहां से ट्रांसफर करके दूसरी जगह पर भेज दिया जाए। लेकिन यहां पर सवाल एक और है, ये ट्रांसफर ड्राइव जो चलाई जा रही है इसमें आरईटी शामिल नहीं होंगे या फिर होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इससे पहले जब हमने आपको एक जानकारी दी थी, उस जानकारी के मुताबिक तमाम आरईटीज ये कह रहे हैं कि हमें भी इस ट्रांसफर ड्राइव में रखा जाना चाहिए। जो महिलाएं जनरल लाइन टीचर हैं उनका ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन उन महिलाओं की क्या गलती है जो आरईटी टीचर हैं और उनका ट्रांसफर ड्राइव में जो है वो कोई भी नाम नहीं आने वाला है। अब आपको बताते हैं कि ऑर्डर कब निकला था, एक जम्मू कश्मीर एजुकेशन 2022 को ये ऑनलाइन जो है रिप्रेजेंटेशंस आपको देना है एम्प्लॉयज का, और एक और जानकारी मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अपना ट्रांसफर चाहते हैं या किसी प्रकार का आपका रिप्रेजेंटेशंस है तो आपको वो 11 मई से पहले पहले अपना रिप्रेजेंटेशन जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को जाकर देना है, क्योंकि 15 जून जो है वो आखिरी डेट है। 15 जून तक जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट तमाम डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके ई पोर्टल पर अपलोड करके आपको बता देगा कि आपका ट्रांसफर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो कहां पर हुआ है, किस जगह हुआ है, कौन से स्कूल में हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट में हुआ है, ये तमाम जानकारी आपको जो है वो ई पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगी। अब यहां पर सबसे अहम सवाल ये है कि जितने भी जनरल लाइन कैटेगरीज वाले टीचर हैं उनका ट्रांसफर में तो नाम होगा, लेकिन आरईटी टीचर्स की क्या गलती है। अगर कोई महिला मान लीजिएगा कि अगर कश्मीर की रहने वाली है, उसकी शादी जम्मू में हुई है, तो उसका ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकता है, वो जिला का बाहर क्यों नहीं जा सकता है। और एजुकेशन विभाग ने जो है वो जोन्स भी बनाए थे, सॉफ्ट जोन, हार्ड जोन, वेरी सॉफ्ट जोन, मतलब अगर आप वेरी सॉफ्ट जोन में हैं तो आप 3 साल वहां पर काम कर सकते हैं, सॉफ्ट जोन में है तो 2 साल और हार्ड जोन में है तो 1 साल। और हार्ड जोन वाला अगर चाहे कि वो वहां से नहीं जाना चाहता है तो विभाग ने कहा था कि वो एक डिमॉन्स्ट्रेशन दे दे, हमें लिख कर दे दे कि मैं यहां से नहीं जाना चाहता हूं, तो उसका ट्रांसफर हम नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो ऑल सेट बैठा हुआ है कि 15 जून तक जो है वो अब एक जगह से दूसरी जगह जाने को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी जो है वो तैयार रहें, क्योंकि ई पोर्टल पर जो है वो बहुत जल्द आपका नाम का पर्चा डलने वाला है, यानी कि आप वहां पर काम करेंगे या नहीं, जहां पर अभी आप हैं जिस डिपार्टमेंट में, जिस स्कूल में आप हैं वहां पर काम करेंगे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी तहसील बदल जाएगी, आपका जिला ही बदल जाएगा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में लंबा समय भी लग सकता है। और ट्रांसफर पॉलिसी के मुताबिक 60 किलोमीटर के दूर आपको जाना है, यानी कि 7 किलोमीटर के अंदर अंदर आपका ट्रांसफर नहीं होगा, जाएंगे तो 7 किलोमीटर दूर जाएंगे। अब दूसरी बात पर आते हैं कि देखिए जोन बनाए हैं, अब इसमें है क्या, 11 मई से पहले पहले अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन देना है तो आप डिपार्टमेंट को दे सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें ट्रांसफर पॉलिसी में कौन कौन जो है इस ट्रांसफर ड्राइव में जो है वो कौन कौन शामिल होंगे। अगर आप लोग टीचर हैं, आप लेक्चरर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप ZDO हैं,
ये सभी जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। यानी कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो पूरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उस पर अपलोड कर देगा कि आपका वो समय सीमा जो होती है एक कर्मचारी की, सरकारी कर्मचारी की, एक जगह पर आप इतने समय तक काम कर सकते हैं, उसके बाद आपका तबादला होना ही होना है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो चेक किए जा रहे हैं और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो अपने कर्मचारियों से डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है कि आप अपने हमें डॉक्यूमेंट्स पहुंचाइए, हम देखेंगे, हम चेक करेंगे कि आप कितने साल से एक जगह पर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी ट्रांसफर यहां से कर दीजिए, लेकिन हो सकता है कि उनकी समय सीमा पूरी ना हुई हो, टाइम पीरियड पूरा ना हुआ हो, उनकी ट्रांसफर नहीं की जाएगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका समय सीमा यानी कि टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन वो अभी भी वहीं पर पढ़ा रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें यहां से नहीं जाना। तो अब ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो पूरी फाइल रेडी करनी है और 15 जून तक जो है वो ये बता दिया जाएगा कि कौन कहां पर ट्रांसफर होने वाला है। अगर आपको किसी भी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन देना है तो 11 मई से पहले पहले आप अपना रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिपार्टमेंट को सौंप सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये है कि RETs जो टीचर्स हैं उनके लिए कोई ट्रांसफर पॉलिसी अभी तक क्यों नहीं बनी है? क्या वो जो महिलाएं पढ़ाती हैं बच्चों को वो टीचर नहीं है? अगर वो टीचर हैं तो वो जो जनरल लाइन टीचर्स हैं उनसे अलग कैसे हैं? वो इस ट्रांसफर ड्राइव में क्यों शामिल नहीं है? आप लोग देख रहे हैं स्टेट टॉक्स, मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।